फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलिस लाइफस्टाइल। अगेन मैं आई हूँ आपको मिलने। अभी रात के बज रहे हैं 7:30 और एक्चुअली मैंने अभी व्लॉग इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहीं बना पाई थी, इसीलिए मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो आप मेरे दो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने बताया है कि मैंने फिर से कैसे शुरू किया है ब्लॉग। और एक जस्ट बेडरूम में कौन है, तो बस एक छोटी सी बेबी है, आपको आवाज़ आ रही है, आ जाओ बेटा आ जाओ। तो उसकी वजह से मैं टाइम का कुछ मतलब कब स्टार्ट करना ये नहीं डिसाइड कर पाती हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे ब्लॉग बनाती हूँ। तो आप मतलब इतने दिनों में जैसे मेरा गैप हो गया यूट्यूब चैनल पर, तो उसके पीछे काफ़ी रीजंस थे, मैंने बताए हैं व्लॉग में मेरे। तो बट अभी मैं थोड़ी सेटल डाउन हो गई हूँ, मैं शिफ्ट भी हुई हूँ मेरे नए घर में। मैं पहले प्रीवियस घर में रहती थी तो वहाँ के भी मेरे कुछ वीडियोस है, तो अभी आप देख रहे होंगे तो सब बैकग्राउंड वगैरह सब चेंज है, तो मैं नए घर शिफ्ट हुई हूँ मेरे। और दूसरी बात ये रही कि अभी मेरी बेबी भी 10 मंथ की हो चुकी है और मेरे पास टाइम भी थोड़ा बच रहा है, तो थोड़ा बोर सा हो रहा है। और बच्ची को डे केयर में छोड़ के मैं जॉब भी ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा खुद के लिए क्रिएटिविटी के लिए अपने कुछ टाइम दे दूँ। तो मैंने इन दिनों में मतलब लास्ट 1-2 महीने में मैं कुछ घर पे ही DIY करती थी और छोटे छोटे वीडियोज़ बना के मैं मेरे इंस्टा पे पोस्ट करती थी। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि जो मेरा हुनर है, मतलब पहले से ही मैं ये सब करती आई हूँ, तो क्यों ना मैं मेरे YouTube चैनल फिर से स्टार्ट करके वहाँ पे भी मेरी जो चीज़ें उसको एक्सप्लोर करूँ, मेरा जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो मेरा व्यू है वो और उसको शार्प करने के लिए मैं और थोड़ी मेहनत लूँ तो मुझे और अच्छा लगेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा आप सबसे। इसीलिए मैंने फिर से ये YouTube का चैनल फिर से स्टार्ट करने का सोचा। तो जस्ट मैंने पहले दिन वीडियो बनाया, 2 दिन पहले अपलोड किया, तो आप देख सकते हैं मायरा कैसे चिल्ला रही है और मुझे देख के उसको लग रहा है मैं किसी से बात कर रही हूँ और मम्मा मुझे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है। तो देख सकते हैं आप कैसे कर रही है मायरा, क्या हुआ मायरा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो ना, जय श्री राम करो, करो जय सियाराम, ओ जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय मैंने जय जय करके दिखाओ, जय जय। यहाँ क्या लग गया बट्टू, यहाँ पे बालों में कुछ तो लग गया था मायरा के, फिर हो रहा है। ओ मेरा बच्चा, तो चलो मैं जाती हूँ अभी पूरी बनाने, छोले तो बन चुके हैं, मंदिर जाते ही होंगे, फिर मिलते हैं, आजो आजो, बाय बाय करो सबको, बाय 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 बाय। बाय बाय नहीं करना है किसी को भी, बाय रू, जैसे आराम करो ना, नौटंकी यह नौटन की लड़की।
और मायरा प्रैम पे खड़ी है। आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग वॉक पर निकले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है वॉक करते हुए। मायरा और उसके पापा पीछे हैं, मैं निकली हूँ आगे। गाड़ी अभी भी चल रही है, एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, मतलब 10 बज गए हैं, फिर भी लिख रहे वाह। मायरा खेल रही है, एक्चुअली उसकी नींद हो चुकी है मस्त पैकी, और उसको खेलना है। नहीं बेटा, वो नहीं जानते, तो उसकी नींद हो गई तो हमारी तो ख़त्म हो गई ना। नहीं, हमें तो सोने देना नहीं है मायरा को, है ना बेटा? क्या जैसे ही मैं सोने गई, मायरा बिल्कुल उठ के रेडी थी, देख रही है मुझे बार बार, है ना? कौन उठ के रेडी था? मायरा। क्या कर रहे बेटू? मुझे इतनी नींद आ रही है, ऐसे लग रहा है सो जाओ, लेकिन अब मायरा तो सोने वाली नहीं है। शाम तक तो बिल्कुल भी नहीं सोती, वो एक बार आधा घंटे का नाप ले लेती है, उसके बाद नहीं सोती वो बिल्कुल भी। उसकी नींद बहुत ही कम है। क्या देख रहे हो? मुँह में नहीं डालते पेन? यहाँ से देखिए अब जूस निकल रहा है, और यहाँ से वेस्टेज निकल रहा है। वेस्टेज भी काफ़ी कम निकल रहा है जूसर से, और हेल्दी जूस भी निकल के आ रहा है, देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम मायरा के इसमें जूस भरेंगे हाफ कप, एंड देन हमारे इसमें मायरू जूस पी रही है। कैसे लग रहा है मायरा? यम्मी? उल्टा करो उसको, उल्टा करो, वैसे पीते आ रहा है क्या? वेरी गुड, मायरा को पसंद आया लगता है जूस। आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, अमेजिंग। ये मेरा, मायरा को तो बहुत पसंद आया, छोड़ ही नहीं रही है। नाइस, नाइस, गिराना नहीं। सच में बहुत अच्छा है, होममेड। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। जूस दिया है ना मैंने तुम्हें, ये लो। खेल रही हूँ जूस के साथ, दो मुझे, नहीं पीना है तो दे दो। तैयारी कर रही हूँ,
8:30 बज रहे हैं रात के, ज़्यादा कुछ बनाना है नहीं, तो थोड़ा सा बस चिकन बनाना है और राइस तो बन गया है। तो मैं इंस्टेंट चिकन बनाती हूँ, ज़्यादा मैं मसाले वगैरह यूज़ नहीं करती, मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर ही दूँगी। बस अभी तैयारी करते हैं चिकन की। सरसों का तेल गरम करने के लिए रखा था, 3 कांदा मैंने कट करके डाला है, उसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं हम, थोड़ा सा उसको तेल में ही फ्राई करते हैं एंड देन उसको ब्लेंडर में पीस लेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट कांदा ब्राउन हो चुका है और इसको हम अभी मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। वही जो अनियन का तेल बचा हुआ था उसी में हम ये अनियन की पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। इसको अच्छे से फ्राई होने के बाद फिर हम थोड़ी देर बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। पहले तो अनियन को हमें अच्छे से होने देना है तेल में ही। अभी करते इसमें टोमेटो ऐड एंड उसके साथ करते हैं 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पूरी तरह से टोमेटो पक जाना चाहिए, नहीं तो कच्चे टोमेटो का स्वाद अच्छा नहीं आता है। अच्छे से उनको मसालों को सबको एक साथ मिक्स करना है हमें और हम अभी प्रिपेयर करेंगे। जो मैं मसाले ऐड कर रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। एक कटोरी में हमें और डालना है नमक 1/2 चम्मच, एक चम्मच डालना है धनिया पाउडर, एक चम्मच मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और ये जो मसाला है ये है सुहाना चिकन ग्रेवी मसाला है ये, तो ये मैं 2-3 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसमें और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे हम वाटर थोड़ा सा। पानी डालने से क्या होता है मसाले एक साथ मिक्स हो जाते हैं और जब हम जो हमारी टोमेटो और कांदा की ग्रेवी है उसमें हम डालेंगे तो ये अच्छे से पकेंगे और जलेंगे नहीं, ये सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है। इसीलिए पानी डाल के कभी भी ये सारी चीज़ों को मिक्स करना है हमें। अभी हमारा देख सकते हैं टोमेटो भी अच्छा पक गया, तेल छूट गया, तो इसमें अब हम डाल देंगे ये सारे मसाले और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ी देर। अच्छे से मिक्स हो गया है मसाला थोड़ी देर, मतलब इनको जो मसालों को स्टीम निकाल लेंगे तो जो भी कच्चापन होगा थोड़ा बहुत तो वो दूर हो जाता है। और अभी लीड निकाल लेते हैं हम, एक बार और चम्मच से घुमा लेंगे। और हमने जो चिकन मैंने अच्छे से वॉश करके हल्दी और नमक के साथ 2 सीटी लगाई थी चिकन को, वो अभी चिकन हम ऐड कर देंगे उसमें। बहुत अच्छा पक जाता है 2 ही सीटी में। ये 500 ग्राम चिकन था उसकी मैं रेसिपी बता रही हूँ, जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो 1/2 kg के हिसाब से किए हैं। तो आपको अगर 1 kg का चिकन बनाना होगा तो आप मसाले को डबल कर सकते हैं। तो ये सब 1/2 kg का है। अब अच्छे से इनको मिक्स करके इसका जो लीड है वो ढक देंगे हम 10 मिनट के लिए, फिर हम चेक करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी बॉयल हो चुका है चिकन तो हमें जस्ट ग्रेवी सुखानी है, क्योंकि मैं चिकन ड्राई मुझे पसंद है तो इसीलिए मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखती हूँ चिकन में। 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने लीड निकाल दी। अभी इनको अच्छे से फुल फ्लेम पे ही हमें ऐसे इनका जो ग्रेवी है वो कम करना है, बहुत अच्छे से पक जाएगा चिकन। देख पा रहे हैं ऑलरेडी वो अच्छे से कुक हो चुका है।
आप देख सकते हैं कितना यम्मी दिख रहा है चिकन, और उतना ही ये टेस्टी भी लगता है। आप ये रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के और भी यम्मी दिख रहा है। वाओ, इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ओवरऑल वीडियो मेरा अच्छा लगा हो और रेसिपी भी अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक यू, टाटा मायरा, टाटा टाटा मायरा को मेरा हेयर बेल्ट चाहिए। ओके, ले लो, आप लगाओ।